भाई फाइनली पॉकमैन जर्नीज के एपिसोड 129 की समरी आउट हो चुकी है। एंड मैं बता दूं, ये बात मैं तुम लोग को सबसे पहले बता रहा हूँ। एंड अगर तुम लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो वो भी सबसे पहले, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी सबसे पहले। तो गाइज फाइनली जो आज की समरी है एकदम बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाली है। एंड समरी में कुछ ऐसे से बातें लिखी हुई है मतलब तुम लोग पढ़ने वालों मतलब बहुत ही खुश होने वाले, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला आज की इस वीडियो में। हाँ थोड़ी सी लेट वीडियो बना चुका हूँ भाई कि मेरे पास समरी भाई परसों ही आ चुकी है, बट डोरेमन की वीडियो एंड इस पर थोड़ा सा रिसर्च जारी था ताकि भाई कंफर्म कर सकूं कि भाई ये समरी एकदम रियल है ना भाई या फेक है। तो मैं तुम लोगों को बताऊं एकदम रियल समरी है। एंड जो सोर्स है भाई मुझे पता चले भाई ये भी सोर्स एकदम ओरिजिनल है, मतलब मैं बोलूं जेन्युइन है। एंड हर बार जो इसकी समरी होती है एकदम रियल होती है। इसके पहले भी मैंने समरी पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखा हूं जिसमें भाई जो मैंने तुम लोग को बताया एकदम 100% जेन्युइन बताया, एकदम सेम टू सेम भाई जो इसका मतलब जो आने वाले एपिसोड के बारे में तुम लोग को बताने वाला एकदम सही बताने वाला। हां जानता हूं समरी में सब कुछ नहीं लिखा है बट थोड़ा तो इतना कुछ लिखा हुआ है जिसके बाद तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मैं अपने फायदे की बात कर लेता हूं, तो अगर तुम लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर डालो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए वो भी सबसे पहले। एंड हाँ अगर तुम लोग ऐसे मर्चेंडाइज पोस्टर एंड इस तरह की समरी को देखना चाहते हो वो भी सबसे पहले, तो तुम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एंड वहां पर तुम लोग जाके पॉकमैन जर्नीज के कोई भी एपिसोड को देख सकते हो, मतलब जो हर फ्राइडे को जो एपिसोड आती है वो आती है वहां पर सबसे पहले। तो तुम लोग वहां पे सबसे पहले पॉकमैन जर्नीज की कोई भी एपिसोड को देख सकते हो, मतलब आने वाले एपिसोड को। एंड हाँ अगर तुम लोग जाना चाहते हो इसके बारे में डिटेल में तो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम लोग वहां से जाके देख लेना। वेल चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये रहा तुम लोग के लिए समरी भाई, देख लो भाई इंग्लिश में लिखा है, जिन बंदों को भाई इंग्लिश में नहीं समझ आते भाई उनके लिए भाई देख लो साइड में भाई हिंदी में, बट मैं इंग्लिश के साथ ही स्टार्ट करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो भाई तुम लोग देख सकते हो समरी में मेनली यही बात लिखा हुआ है, द फाइनल्स ऑफ मास्टर टूर्नामेंट फाइनली बिगन, सतोशी इज एंथुसियास्टिक अबाउट हैविंग एन ऑफिशियल मैच अगेंस्ट दांडे, दांडे का मतलब इसमें लियोन है, हु हैज ऑलवेज बीन हिज गोल, मतलब देख लो भाई ऐसा कुछ हमेशा से गोल था भाई लियोन कराने के, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो जनता आई हुई है मतलब जो क्राउड आई है हम लोग की जैसे फैंस आए हुए हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बिल्कुल हम लोग की जैसे। देख लो भाई वीडियो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई बोलते हुए। तो हाँ भाई ऐसा इसमें भी हमें बताया हुआ कि जिस तरीके से भाई क्राउड है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ये बात तो हम लोग जानते हैं भाई कि बहुत बंदे यार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बट ये हमारे काम की बात नहीं है। काम की बात है क्या भाई, इसमें हमें सेरेना ग्रेनिंजा के कुछ कंपेनियन देखने को मिलने वाले, ये बता भाई हमें भी ये बता। तो भाई मैं भी इतना ही जानना चाहता हूँ भाई, मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बारे में। तो मैं बता दूँ यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है समरी के नीचे, अगर तुम लोग नोटिस करो जहाँ पे राइवल के बारे में लिखा हुआ है इसका कुछ इस तरह के मीनिंग मुझे जैसा लग रहा है कि वहाँ पे जो है लियोन भाई एस कचम को कुछ ऑफर करता है। मेरे ख्याल से ये हो सकता है वो शायद एस कचम को ऑफर कर रहा है तीन तीन मैकेनिक्स को यूज करने के लिए, या बोल रहा है भाई यहाँ पे जिस तरीके से राइवल लिखा हुआ मे भी हो सकता है एस कचम के सारे राइवल उन्हें देख रहे लाइक एलन पॉल भाई जो भी है तुम लोग जानते हो भाई, तुम लोग को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं भाई कौन कौन एस कचम के राइवल है, तो ये सारे देख रहे हैं। वेल अगर ऐसा हुआ तो मतलब लिटरली भाई ये एपिसोड मतलब वन ऑफ द मोस्ट रेटेड ओवर रेटेड हो जाएगी एपिसोड, मतलब इसमें हम सब लोग देखने का अगर मिल गए मतलब सेरेना मे डॉन मिस्ट्री भाई तुम लोग समझ रहे हो मैं किन किन की बात करो भाई, ये सारे बंदे अगर इसमें अपेयर हो गए मतलब ये एपिसोड मतलब बहुत ही सही हो जाने वाली है। बट इसके बारे में तो कोई डिटेल नहीं कि भाई इसमें हमें सेरेना देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं, बट हाँ राइवल के बारे में लिखा तो हम लोग इसके बारे में कर सकते कि हाँ भाई इसमें हमें शायद कोई राइवल देखने को मिल सकता है, मे बी ये कौन अभी तक इसका बारे में कंफर्म नहीं हुई है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड हाँ ये जो एपिसोड मतलब धमाका होने वाले मतलब धमाका दिवाली के पहले मतलब धमाका, तुम लोग को पता है ये एपिसोड दिवाली के तो कुछ दिन पहले आने वाले, हम लोग की दिवाली यूं ही मन जाने वाली है यूं ही, मतलब भाई इस एपिसोड को देख के भी हमारे दिवाली दिवाले होना दिवाली दिवाली हो जाएगी, मतलब भाई बहुत ही मजा आएगा ये एपिसोड को देखने में, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के बारे में। वेल तुम लोग का क्या ओपिनियन है इस वाले एपिसोड के बारे में ये तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं तुम्हारे बोनस टिप्स के बारे में, तो भाई बोनस में तुम लोग के भाई जनरेशन 9 की न्यूज फाइनली कन्फर्म हो चुकी है, जनरेशन 9 की एनबी कब स्टार्ट होने वाले, तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो उसको भाई तुम लोग देख लेना। नौ बात कर ले तो भाई एक और बोनस टिप जो तुम्हारे लिए स्पेशली है वो ये है कि जो भाई पॉकमैन जर्नीज की एपिसोड 131 है उसका टाइटल फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो हाँ गाइज रिसेंटली मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुम लोग को पॉकमैन जर्नीज के एपिसोड 130 तक की टाइटल के बारे में बताया था, बट नाउ इट्स टाइम टू टेल यू भाई जो पॉकमैन जर्नीज के एपिसोड 131 होने वाले है उसका टाइटल क्या होने वाला है, तो जल्दी बता तू भाई इसका टाइटल होने वाला सेमीफाइनल 3
द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो भाई ये आर्या पाड़ वाली बैटल मतलब एपिसोड होने वाले, इसमें हमें पता चल जाएगा भाई कौन बनेगा चैंपियन एंड कौन होगा लीजर। वेल तुम लोग क्या लगता है भाई, एस कचम क्या लियोन को हरा पाएगा या लियोन भाई एस कचम की बैंड बजाने वाले? मुझे तो लगता है भाई बैंड बजा भाई धमाका सब कुछ भाई होगा इस वाले एपिसोड, मतलब पूरी तरह से दिवाली शादी भाई सब कुछ हो जाएगी इस वाले एपिसोड में। मतलब भाई सेंस को समझो भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वीडियो बनाते हुए भाई, तुम लोग समझ सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, तो थोड़ा बहुत तेज़ बोल देता हूँ भाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वेल वीडियो खत्म हो चुकी है, तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया, मतलब तुम लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस वीडियो, ताकि उनको भी पता चले भाई पोकेमॉन जर्नी के एपिसोड कितना ज़्यादा इनर्जेटिक होने वाले, मतलब कितना ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड होने वाले। पोकेमॉन वाले थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बट हाँ कुछ वजह से भाई ब्रेक ले रहे हैं, इसके बारे में तुम लोग को जानना चाहते हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में बता दूंगा। वेल इसी वजह से भाई पोकेमॉन जर्नी वाले थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बट ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद जो एंट्री मार रहे हैं भाई, मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो वाली एंट्री होने वाली, मतलब बहुत ही मजेदार एपिसोड होने वाले हैं। एंड हाँ अगर तुम लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर डालो, एंड अगर इसी तरह की समरी एंड लीक्स मर्चेंडाइज की वीडियोस तुम लोग सबसे पहले देखना चाहते हो तो जल्दी से अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ अगर तुम लोग अभी तक फॉलो नहीं किया तो अभी कभी जाओ भाई फॉलो कर दो। तो गाइज मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है जनरेशन 9 उसके रिलेटेड।